रामायण और महाभारत। बहुत लोग ये विषय चर्चा का केंद्र बन गया है कि रामायण महाभारत हुए हैं नहीं हुए, क्या ये मात्र कपोल कल्पनाएं हैं या मात्र पुस्तकों की रचनाएं हैं या मात्र विद्वानों के द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं या लोगों को भ्रमित करने के लिए इनको लिख दिया गया है, ये कहानियां मात्र हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ ये हुई है, लेकिन अनुभव नहीं बता रहे अपने कि हमने राम देखा है नहीं देखा, कृष्ण जी हुए हैं नहीं हुए, महाभारत कैसे क्या नहीं बोल रहे। ये खोजने का विषय है, ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। कुछ लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार करके युवाओं के साथ बात करते हुए कि शायद हुए हो, कि कुछ ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, या वो असफल आदमी श्री राम, इस प्रकार के सब अपनी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन वही लोग जब आप देखोगे रामेश्वरम में लंबे लेटे शीश झुकाए नजर आएंगे, वही लोग शिवलिंग के आगे नतमस्तक नजर आएंगे। रामेश्वरम में शिवलिंग किसने स्थापित किया था आपको याद है? ये स्थान जब आप जाओगे रामेश्वर के अंदर, वहां पहुंचोगे तो देखोगे आज भी पत्थर तैर रहे हैं। सैटेलाइट से जब चेक होगा, जो भारत और श्रीलंका का रास्ता है सबसे नजदीक का जो रास्ता है वो यही मिलेगा, इससे नजदीक कोई रास्ता नहीं। जहां बोलते हैं कि यहां से श्री राम गए हैं वो रास्ता, जनकपुरी भी है, अयोध्या भी आपके सामने है, कुरुक्षेत्र भी है और वृंदावन का तो आपको पता ही है कि वृंदावन क्या है, कैसे वो अद्भुत भूमि है जहां श्री कृष्ण जी ने रास से लेकर के युद्ध तक कितनी लीलाएं की हैं। आप वहां जाओगे लीला भूमि के अंदर, आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, आपको फील होगा कि हाँ कुछ कुछ तो है, कुछ अलग जरूर है जो उस भूमि को आज भी महका रहा है। आप जा करके सरयू नदी के तट पर देखो कि हाँ सरयू नदी भी है। इस प्रकार से आप हनुमान जी को देखो, उनका भी जन्म स्थान। आप हस्तिनापुर जा करके देखो, वो भी जगह है। आप इंद्रप्रस्थ को भी देखो, वो भी है। जहां से पांडव निकले बहुत जगह है कि कुछ तो है, जो हमारे इतिहास में जिसको इतनी जगह नहीं दी गई कि हम इनको अवतार पुरुष मान सके। बस कुछ लोग हैं जो अवतार मानते हैं,
लेकिन जिन ऋषि महर्षियों ने, जिन खोजियों ने, यहाँ तक कि आर्य समाजियों ने, आर्यों ने भी श्री राम को श्रेष्ठ आर्य माना है, श्री कृष्ण जी को श्रेष्ठ महापुरुष माना है इतिहास का, कुछ तो अलग होगा। नहीं तो इतने राजे महाराजे हुए इतिहास में, उनको क्यों अलग जगह दी गई, क्या कारण रहा होगा, क्यों इतना श्रेष्ठ माना गया। हमारे योगी हैं वो, हमारे अवतार हैं, हमारे लिए विशेष कार्य करने के लिए आते हैं, और लीलाओं के माध्यम से जीवों को जगाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं संसार के अंदर, जिससे ये साबित किया जाए कि श्री राम जी हुए हैं। अब तो साइंस इतनी गति से चल रहा है, आप जब उन तत्वों की जांच करोगे, उन पदार्थों की जांच करोगे, उठाओ पत्थर रामेश्वरम से और उसकी खोज करो, कितना पुराना है, कितना समय हो गया इसको स्थापित हुए, ये तत्व पता चल जाएगा जब आप निकालोगे साइंस के माध्यम से। तो इनको आप कैसे नकार सकते हो, कैसे मना कर सकते हो, किस प्रकार से आप। हाँ, कुछ लोग हैं जो केवल कि हम गुरु हैं, गुरु बस, लेकिन वो गुरु परमात्मा के द्वारा बनाए गए नहीं है, अपने आप द्वारा निर्धारित किए गए स्वयं घोषित गुरु। वो लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो लोग इन चीजों को नकारते हैं। लेकिन जो लोग उस रास्ते से गुजर करके गए हैं, जो लोग साकेत है, जो साकेत के अंदर से निकल करके गए हैं, जो लोग गोलोक के अंदर से गुजर करके गए हैं, जिन्होंने उन ऊर्जाओं का अनुभव किया है, जिन्होंने श्री राम के साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को पाया है, बहुत से ऐसे जिनके पास श्री कृष्ण जी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बहुत से ऐसे हमारे संत अवधूत ज्ञानी महापुरुष जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पास उनके आज भी संदेश और आदेश दोनों आते रहते हैं। वो तत्व ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए कि बोला मान लिया, कि हंसे हंसी में उड़ा दिया सब कुछ, ये हमारे महापुरुष हैं जो जिनके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है, जिनके ऊपर हमें अस्तित्व को जो मिटाने की कोशिश की जा रही है उसको खोज की आवश्यकता है, उनके ऊपर बोलने की आवश्यकता है, उनके ऊपर लिखने की आवश्यकता है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, उनके वर्णन की आवश्यकता है, और सबसे ज्यादा उनकी खोज की आवश्यकता है कि किस पद्धति के द्वारा हम वहां तक पहुंचे, कैसे हमें उन का अनुभव हो। हमारे महात्मा लोग आज भी अश्वत्थामा से मिलते हैं, कभी हिमालय के ऊपर, कभी वृंदावन के अंदर, कभी और जंगलों में, कभी किसी मंदिरों में,
कभी किसी की शिव की पूजा करते हुए हमारे महर्षि लोग कृपाचार्य से मिलते हैं, हमारे महर्षि लोग सिद्ध योगी, जब योगियों की सभा होती है परशुराम जी उसमें आते हैं। लेकिन जो लोग बिना सोचे, बिना अनुभव के, बिना जाने कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें थोड़ा खोज की आवश्यकता है, थोड़ा उन हमारे पूर्वजों, उन हमारे महर्षियों तक पहुंचने की आवश्यकता है कि जो तत्व रामायण में भी हनुमान जी का वर्णन है, महाभारत में भी कुछ जगह हनुमान जी का वर्णन है, आज भी हनुमान जी का वर्णन चल रहा है, तो कैसे वो लोग, आप महाभारत के उदाहरण वहां शीश के दानी की तरफ देखिए, खाटू नरेश की तरफ है वो जगह, आप जाएंगे देखो जाकर के कैसे किस प्रकार से। आज भी हिसार के अंदर एक वृक्ष है जिसके सब के सब पत्ते बर्बरी के द्वारा छेद दिए गए थे, एक बाण के द्वारा। आज भी उस वृक्ष के पत्ते खोज कर लो, आप जा करके देख लीजिए, आज भी उसके पत्ते कटे हुए आते हैं अंदर से, कोई भी वृक्ष के नहीं आते, जिन वृक्षों के पत्तों में छेद हो नहीं आते। ये जो हमारी पावन धरा है, ये जो हमारी अवतार भूमि है, ये जो हमारी श्रेष्ठ भूमि है, ये जिसने अवतारों को अनुभव किया है, ये भूमि जिसने के ऊपर अवतारों के चरण पड़े हैं, वो नदियां जिनके अंदर अवतारों ने खेल किए हैं, गंगा, यमुना, सरयू और बहुत सी ऐसी नदियां जहां हमारे अवतार जहां से निकल निकल करके गए हैं, जहां से जल और नदियों को, जल और थल दोनों को पवित्र किया है, आप कैसे नकार सकते हैं ऐसे तत्वों को। हाँ, आप उनको जरूर जवाब दे सकते हैं कि ये सब जो हमारा इतिहास है, ये एक एक सूत्र में पिरोया गया है। जो लोग नकारते हैं वही लोग रामचरितमानस, रामायण, भागवत गीता, महाभारत, पुराण, उपनिषद, उन्हीं में से उदाहरण ले करके, उन्हीं में से शब्दों को उठा करके बोलते रहते हैं। बस इतना कि उनको कोई ये कहने वाला नहीं होता कि आप कल क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं, क्या आपको अनुभव नहीं है, क्या आपको श्री राम वो ऊर्जा वहां से निकले आपको अनुभव नहीं हुआ। अगर अनुभव है तो फिर क्या शब्द है ये। तो ये जो दोनों पक्ष के लोग, जब आप खोज करोगे, जब आपको अनुभव होगा तो आपको पता चल जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। राम थे नहीं कहूंगा मैं, हुए थे नहीं कहूंगा, श्री कृष्ण जी हैं या नहीं है।